65 साल के भगन ठाकुर दिव्यांग हैं। 2014 में इनका एक पैर और एक हाथ ट्रेन से कट गया था, तब से भगन भीख मांग रहे हैं। भगन की जिंदगी बुरी सही लेकिन कट रही थी। बदतर तब हो गई जब इनकी पत्नी राधा देवी भी एक हादसे की शिकार हो गईं और उनको भी अपना एक पैर गंवाना पड़ा। और ट्रेन घटना में मेरा हाथ पैर कट गया और कट जाने के बाद हमको रिम्स में ला करके इलाज हुआ। किसी तरह से हम जीवन पालन मैंने वहाँ से अच्छा ठीक हुए। वहाँ से मेरा कोई सरकारी मदद नहीं मिला। राधा देवी की साड़ी धान कूटने की मशीन में आ गई थी, जिसके बाद वो अपना पैर गंवा बैठी। उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। ऐसी से मैंने ट्रेन घटना से कोई सरकारी मदद नहीं मिला। वहाँ गए, कलकत्ता गए तो बोला जे जाओ वहाँ का मुख्यमंत्री के पास, वहाँ वाला मदद देगा। तो यहाँ भी दौड़े, कोई मेरा मदद नहीं मिला तो मांग खा करके अपना गुजर पर बस्ती बाल बच्चा को चला रहे हैं, मैंने अपना परिवार को चला रहे हैं। लेकिन बेसहारा भगन ठाकुर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब तक भीख और पत्नी की मजदूरी से घर चल रहा था, लेकिन पत्नी अस्पताल में है और भगन के पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। ढलती उम्र में भगन के साथ नई मुसीबतें आ रही हैं। भगन सरकारी मदद चाहते हैं, इसके लिए नेताओं मंत्रियों के दरवाजे से लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री से फरियाद कर रहे हैं कि पत्नी ठीक हो जाए इतनी व्यवस्था कर दीजिए, घर का चूल्हा जल सके इतनी मदद करवा दीजिए। वही चलाते चलाते मेरा ये घटना में 1 जनवरी में मेरा परिवार को मैंने ट्रेन ऐसी से मशीन से धान कुटाने में सड़िया फंस गए तो वो मैंने वो भी विकलांग हो गए। जब भगन का पैर कटा था तो सरकार से मदद मिली थी। भगन का इलाज तो हो गया लेकिन उनकी पत्नी अस्पताल के बेड पर है। आसपास के कुछ दबंग परेशान भी करते हैं, ऐसी सूचना है। घर तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। इन सब से उबरने के लिए भगन सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। तो हम मदद के लिए गुहार लगाए जी भाई, सबका पास बताए भाई मैं मेरा सहारा दीजिए। तो सहारा ऐसे जब फिर पेपर आउट किए तो मेरा सहारा मिला। सब कोई 10-5 जितना जो चला बना से सब बहुत कुछ सहारा दिया और मुख्यमंत्री तक ले आश्वासन दिए हैं। तो 10-5 से आपके पत्नी का इलाज नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसी चलते निबात है। बहुत ऋण महाजन हो गया, बहुत कुछ दुर्दशा हो गया। तो अभी आप क्या चाहते हैं पत्नी के इलाज के लिए? सरकार से कुछ मदद मिलेगा, रकम पति मिलेगा और उनको चलने के लिए कोई। तो आपके पास अभी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है? नहीं है। आप लोग घर में? परिवार तो मैं है, मेरा 4 लड़की 3 लड़का है सर, झूठा बोलने से बात नहीं है। चार गो शादी शुदा है, अभी 3 गो मैंने 2 लड़का 1 लड़की बाकी है शादी करने। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in